हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से आज के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जितनी भी सारी न्यूज़ हैं सारी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और सब की सब हमें बहुत ज्यादा होप देने वाली हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमेशा की तरह अपने बात करेंगे केसेस के बारे में और बात करेंगे कि इंडिया ने 2 महीने बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी करी है। सेकंड पॉइंट में अपने बात करेंगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड और डग फोर्ड की लास्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद अपने जल्दी से थर्ड पॉइंट पे आएंगे, बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पे कि फ्लाइट्स ओपन होने के कितने चांसेस हैं, साथ में वीएसीज ओपन होने की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो हमेशा की तरह सेम रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो या अपडेट आप मिस ना कर दो। और अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं स्टोरीज के अंदर पोस्ट करता रहता हूं। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिया और कनाडा के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो गाइस इंडिया के अंदर जो लास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्डेड केस आए हैं वो सिर्फ 1,26,000 ही आए हैं, और ये 2 महीने बाद लगभग ऐसा हुआ है कि केसेस इतने डाउन आए हैं। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ओंटारियो के अंदर भी 3 महीने बाद आज पहली बार 1,000 से नीचे केसेस आए हैं। लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 916 न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। और अभी आगे अपने और अच्छी अच्छी बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। अपने जल्दी से बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, बात करते हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो फोर्ड साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिए कि 9 मिलियन डोजेस ओंटारियो के अंदर लग चुकी है। और साथ में अगर अपने इंडिया की बात करें, मैंने कल की वीडियो में भी थोड़ा सा कंसर्न जताया था कि इंडिया की जो स्पीड है वो भी बहुत स्लो चल रही है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसे बढ़ाना चाहिए। तो आज सुबह ही लेटेस्ट न्यूज मिली है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस, आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको सीधे बताता हूं कि मिड जुलाई के बाद गवर्नमेंट का पूरा अच्छे से प्लान है कि जो अपनी कैपेसिटी है वैक्सीनेशन की डेली की, उसे बढ़ा के 10 मिलियन पे लेके जाने का। तो गाइस, इसलिए अगर ये अपनी कैपेसिटी 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन डोसेस पे ले गए तो फिर तो इंडिया की भी जो वैक्सीनेशन है बहुत जल्द अपने कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को बताने का क्या रीजन था, वो अपने पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अपने वीएससी सेंटर्स के रीओपनिंग की और साथ में फ्लाइट्स की रीओपनिंग की। तो सबसे पहले अपने वीएससी सेंटर्स की रीओपनिंग की ही बात करते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लॉकडाउन हटने के बाद भी वीएससी सेंटर्स ने अपने जो फंक्शन है वो रिज्यूम नहीं किए थे बहुत सारे मंथ्स तक। बट गाइस, न्यूज़ इस बार यही सुनने में आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे ही अपने इंडिया के अंदर जो अभी लॉकडाउन लगा रखा है वो हटेगा, वैसे के वैसे ही अपने वीएससी सेंटर्स भी वेट कर रहे हैं ओपन होने का। साथ में गाइस, अपने फ्लाइट्स की भी बात करते हैं कि जब डायरेक्ट फ्लाइट्स का बैन एक्सटेंड हुआ था, एयर कैनेडा ने जब टिकट्स कैंसिल करनी स्टार्ट करी थी, उस टाइम में इंडिया के केसेस 4 लाख पर डे आ रहे थे। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया था, एयर इंडिया की भी टिकट्स कैंसिल हुई थी, उस टाइम का स्टैट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 19 और 20 मई के अराउंड भी अपने लगभग 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे थे इंडिया के अंदर। बट उसके बाद गाइस 10 दिनों के अंदर स्टोरी इतनी चेंज हो चुकी है कि वो 4 लाख से केसेस पहले 3.5 लाख पे आए और अब सिर्फ 1.25 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। और अभी हमारे पास 15 जून तक का और टाइम पीरियड है रिकवरी करने का। अगर इंडिया के केसेस इसी तरीके से नीचे आते गए 15 जून तक, तो गाइस बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटीज है कि अब जो अपना फ्लाइट बैन है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो गाइस, जून की स्टार्टिंग में ही हमें ऐसे ऐसे अच्छे स्टैट्स मिल चुके हैं कि हमारी होप्स वापस से बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुकी है। साथ में गाइस, मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे, उसमें स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहे हो, आप कोविड केसेस के बारे में बात कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे। गाइस, मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं या फिर मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं। मेरे को एज ए स्टूडेंट पता है कि हमारे क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, किन किन वजह से करनी पड़ रही है। तो अभी कोविड बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर रहा है उसमें। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि अभी जितनी भी चीजें चल रही हैं जो हमारी स्ट्रगल को अफेक्ट कर रही है वो चीजें मैं आपको दिखाऊं, ताकि हमें आगे के लिए होप्स मिले और हमें समझ में आए कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता रहूं और आपको जो भी कंडीशन है उसका पता चलता रहे। और गाइस, आईआरसीसी भी जो अब चुप बैठी है बहुत दिनों से, तो होप्स ऐसी हैं कि अब उनकी तरफ से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट्स और आते हैं गाइस, मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर ऐसी करता रहूंगा। तो ठीक है गाइस, अब जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो या अपडेट आप मिस ना कर दो। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।